हेलो दोस्तों, मैं बलवंत सिंह खाती स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल खाती जिम मिक्सिंग वाले। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक से होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और हाईलाइट प्रोजेक्ट लेकर। आशा करता हूँ आपको प्रोजेक्ट और वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तीन गानों को मिक्स करके मैंने एक हाईलाइट प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, जो है 6 मिनट के समथिंग, 5 मिनट 55 सेकंड और शायद कुछ 9 सेकंड। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कॉर्नर पर बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले समय में मैं इसी तरह के प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्रोजेक्ट होते हैं। आप वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। वीडियो को पूरा और ध्यान से देखने के बाद आपको इसी वीडियो में 5 बार में आपको पासवर्ड डिस्प्ले किया जाएगा। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों आज जो ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें कुछ बारीकियां, कुछ डिटेल के बारे में आज मैं बात करूंगा। वो इसलिए करूंगा दोस्तों क्योंकि जो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूं, जो मैं प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, मैं चाहता हूं कि अगर आप उस प्रोजेक्ट पर हाईलाइट बना रहे हैं तो वो हाईलाइट काफ़ी खूबसूरत बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैंने सिक्वेंसेस बनाए हैं आप उसी के ऊपर अपनी फुटेज रख दें और वो जैसा भी बना, ऐसा नहीं है दोस्तों। कोशिश करिए प्लीज़, जो मैं बना रहा हूँ हो सकता है आप उससे बेहतर कर पाएँ। कोशिश करें कि जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है आप उसमें कुछ फेर बदल करें। उस फेर बदल में कई दफ़ा जो है कि आपका वीडियो और खूबसूरत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हर बार की तरह मैं अपना एडियोज ओपन करके रखता हूँ, अब देखते हैं आज हमने क्या क्रिएट किया है। तो दोस्तों ये है दोस्तों हमारा फाइनल प्रोजेक्ट, जिसकी दोस्तों लेंथ है आपका 5 मिनट 55 सेकंड और 9 नैनो सेकंड। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार की तरह सिक्वेंसेस बनाता हूँ, बात करता हूँ क्योंकि कई नए भाई लोग मुझे देखते हैं, तो प्लीज़ मैं थोड़ा डिटेल में इसकी जानकारी देना चाहूँगा। तो दोस्तों ये है हमारा रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या काम आता है दोस्तों? रॉ डेटा इसलिए काम आता है जब आप अपनी फुटेज को एड्यूज में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जहां भी वो फोल्डर में रखा होता है तो आप अपने एड्यूज में उसको इंपोर्ट करवाते हैं। बस उसी तरीके से आपने जब हाईलाइट बनानी है दोस्तों, हाईलाइट बनाने के दौरान आप अपना रॉ डेटा अपने सिस्टम से इंपोर्ट करें विन में, और विन से आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें रॉ डेटा में, इस वाले सिक्वेंसेज में जो रॉ डेटा है। उसके बाद आपका आ गया फाइनल प्रोजेक्ट, फिर आ गया टेक्स्ट, फिर आ गया डेकोरेशन। दोस्तों जो मैंने हर बार की तरह मैं सिक्वेंसेस बनाता हूँ, इस बार कुछ एक या दो सिक्वेंसेस कुछ ज़्यादा हैं। अब वो क्यों ज़्यादा हैं चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। संगीत डांस, पार्लर सूट, ग्रूम एंट्री, ब्राइड, फैमिली ग्रुपिंग, जयमाला, हल्दी, कन्यादान, मेहंदी, रिंग सेरेमनी, हाँ एक रिंग सेरेमनी दोस्तों एक्स्ट्रा बना है, कपल, मंडप, फेरे, सिंदूर, विदाई, हाउस। दोस्तों एक हाउस, क्योंकि सॉन्ग्स के कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट हैं, सॉन्ग में कुछ ऐसे बोल हैं जो मुझे फुटेज वहां पर बैठाना होता है, वहां पर रखना होता है। ग्रूम, ब्राइड एंट्री। अब आप इन सीक्वेंसेस को न देखें दोस्तों, कि ये सीक्वेंसेस आगे पीछे हैं, दाएं बाएं हैं, आप इनको न देखें। जिस जगह पर दोस्तों मैंने जो चीज लिखा हुआ है, जैसे कि टेक्स्ट, यहाँ पर मैंने नेम लिखा है, कुछ भी लिखा है, ये किसी पांडे जी की मैंने मूवी बनाई थी, काला ढूंगी में हमारे भुवन पांडे जी हैं, तो उनका नाम है। यहाँ पर आप अपने स्टूडियो का नाम लिख दें, जैसा कि मैंने कर दिया आपका खाती जी मिक्सिंग वाले, ठीक है दोस्तों, ये हमारा नेम हो गया है। ये नेम हो गया तो इसको आप क्या करें, फाइल में जाके सेव, सेव एज कर दें और उसको सेव कर दें। जैसे ही आप इसको यहाँ चेंज करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे हमारा फाइनल प्रोजेक्ट में जुड़ा, सॉरी ऑडियो तो ऑफ किया नहीं, सॉरी, आप देखेंगे हमारा ये देखिए खाती जी मिक्सिंग वाले। इसी तरीके से आपको करना है, डेकोरेशन में आ जाना है, जहाँ जहाँ डेकोरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ जहाँ मुझे डेकोरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने फुटेज यहाँ पर रख दें बिल्कुल, जहाँ मैंने उनका यूज़ किया होगा ऑटोमेटिकली वो सिक्वेंसेज में आपके जहाँ जहाँ मैंने यूज किया होगा वो ऑटोमेटिकली आपके इस प्रोजेक्ट में
रिप्लेस हो जाएगा। तो फिर है संगीत डांस, संगीत डांस को भी आप देखिए दोस्तों, जितनी फुटेज का मैंने इस्तेमाल किया आप देखें, जरूरी नहीं संगीत डांस में संगीत डांस ही रखें, हो सके तो आप कपल डांस भी डाल दें, एक कपल डांस, एक संगीत, एक ग्रुप डांस या मदर के साथ। और पार्लर सूट है, अगर आप जिसकी हाईलाइट बना रहे हैं उसमें पार्लर सूट नहीं है तो आप पार्लर सूट में कुछ भी रैंडम शॉट जो हमारे होते हैं, रैंडम वाले कोई भी आप यहां पर फुटेज रिप्लेस कर दें। अब हमारा ग्रूम एंट्री है दोस्तों, अब ग्रूम एंट्री में हमने इस वाले फुटेज को ऊपर रख लिया था, इसको हम नीचे कर लेते हैं। तो आप जो है अपने ऊपर जो मेरे सीक्वेंसेज हैं इसके ऊपर वाले सीक्वेंसेज को क्लिक करके सेलेक्ट कर लें, और जहां तक मैंने चेक मार्क दिए हैं आप उन चेक मार्क पर अपनी फुटेज रिप्लेस कर लें। यहां से उठाएं, सपोज ये मेरी फुटेज है, ये मैंने उठाया और इसके ऊपर रख लें, इसके ऊपर रख लें, मान लीजिए ये मेरा फुटेज है, इतना जितना मैंने निशान लगाया आप इसको कट मार लें, फिर दूसरा फुटेज उठाएं जितना मैंने रखा है उतना कट मार लें। इसी तरीके से आप एक बहुत ही खूबसूरत हाईलाइट बना पाएंगे। दूसरी बात ये दोस्तों, कई दफ़े ये होता है कि ये जो हमारे ब्लैंक सीक्वेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जब हम रेंडिंग करते हैं, रेंडिंग के दौरान जैसे ही हम उसको F11 प्रेस करके रेंडिंग उसकी सेटिंग करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के दौरान यस, नो एंड कैंसल तीन ऑप्शन आते हैं। तो कई भाई लोगों को शायद जानकारी नहीं होती, जो नए नए भाई लोग जुड़े हैं, बाकी कई हमारे पुराने मित्र हैं, सभी को जानकारी होती है। तो आप उसको वहाँ पर नो कर दें, ना यस करें ना कैंसिल करें, यस करेंगे तो वो आपको नए पेज में ले जाएगा, तो आप उसको नो कर दें। उसके बाद ब्राइड, ब्राइड बोले दुल्हन का, हाँ दोस्तों आज इस बार एक गलती और हुई है मुझसे, जो ये दुल्हन के यहाँ पर मुझे ब्लैंक जगह छूट चुकी है, इस ब्लैंक जगह में आप अपना कोई फुटेज न रखें, जितनी फुटेज मैंने रखी है उतने ही आप रखें, यहाँ से लेके एक और दो, ये दो फुटेज बीच में आप कुछ न रखें, उससे आपके मेन प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। फिर है फैमिली ग्रुपिंग, दोस्तों फैमिली ग्रुपिंग अगर आपके पास अच्छी होती है तो आप करिए, मैंने कई दफ़ा रैंडम वाले शॉट यूज किए हैं इसमें भी। जयमाला, जयमाला में मैंने दोस्तों देखिए, एक तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि जयमाला में दो ही होते हैं ना, एक ब्राइड का एक ग्रूम का, एक दुल्हन के जयमाला डालते हुए एक दूल्हे के जयमाला डालते, तो मैंने क्या किया इसमें एक मदर फादर का उनका स्टेज वाला भी इसी में इंक्लूड कर दिया है। तो आपको जैसा भी ठीक लगेगा आप वैसा ही करें। हल्दी का फंक्शन है, हल्दी के फंक्शन में जितने भी फुटेज हैं दोस्तों आप इन्हीं के ऊपर अपने रिप्लेस कर लें। कन्यादान है, और हाँ दोस्तों कभी भी दोस्तों सर न दबने दें, मेरी एक रिक्वेस्ट हमेशा आप लोगों से रहती है। आप देखिए मेरे इस वाले सीक्वेंस में ऊपर आपने गौर किया, ये ब्लैक पट्टी क्यों आ रही है, ये ऊपर देखिए ये क्यों आ रही जानते हैं, ये दूसरे में शायद नहीं आएगी, यहाँ नीचे आ रही है, ये ऊपर आ रही है, ये ऊपर है, ये यहाँ इसमें कहीं नहीं, इसका कारण ये है दोस्तों, जरूर देखिए कोई भी मेरा सब्जेक्ट अगर यहाँ पर डिस्प्ले में होगा तो उसका सर दब रहा था, सर जो हमारा कट जाता है ना जो, तो उसको क्या करते हैं हम लोग F7 क्लिक करते हैं, F7 क्लिक करके मैंने इसे नीचे को प्रेस कर दिया है शिफ्ट के साथ, ये दाएं बाएं नहीं हिलता है, इसलिए शिफ्ट के साथ आप इसको पुश कर लें नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, यहाँ देखिए नीचे भी है। तो आप देखिए सर ना कटने दिया करें, कोई भी सीक्वेंसेस का फुटेज अगर हमारा आउट ऑफ व्यू जा रहा है तो आप उसको व्यू में लाइए, जरूरी नहीं है कि कोई एक साइड में हो और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, कोशिश करें उसे सेंटर में लाएं जैसे अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि मैंने सेंटर बोला तो आप सारी फुटेज सेंटर में ले आए। सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ देखना होता है दोस्तों, एडिटिंग ऐसा ही नहीं कि एडिटिंग आप क्या सोचते हो, एडिटिंग एक वो सोच है दोस्तों, एडिटिंग एक सोच है, मैंने आपको रॉ मटेरियल दिया, आप क्या सोचते हैं मैं क्या सोचता हूँ सबका अलग अपना अपना, यही एडिटिंग मैं अभी कर रहा हूँ, यही मैं एक वीडियो किसी और को दूंगा वो अपने तरीके से बनाएगा, वही मैं आपको दूंगा आप अपने तरीके से बनाएंगे दोस्तों। तो ऐसा है एडिटिंग एक सोच का है, सारा खेल सोच का है। तो आशा करता हूँ, जरूरी नहीं है मैंने सीक्वेंसेस बनाए हैं तो आप इन सीक्वेंसेस में यही भर दें, क्या पता आप कहाँ पर क्या भर देते हैं, अच्छा हो सकता है दोस्तों। जो मैं ये मेन प्रोजेक्ट हमारा है, जब भी मैं हाईलाइट क्रिएट करता हूँ ना अपने लिए, तो मैं दोस्तों सबसे पहले गाने के बोल सुन लेता हूँ, जैसे ही मैंने एक फुटेज यहाँ पर लगाया तो मैं आगे उसके गाने के बोल सुनता हूँ कि यहाँ पर ये क्या रिक्वायरमेंट है। सपोज यहाँ पर मैंने फाइनल प्रोजेक्ट का
संगीत डांस डाल दिया, संगीत डांस डाल दिया है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर संगीत डांस ही मैंने लिखा है तो आप इसी को डबल क्लिक करें, आपको लगता है यार यहाँ पर संगीत डांस नहीं भाई, यहाँ पर आना चाहिए मिलने का एक फोटो गेट का, तो आप इसी के ऊपर रिप्लेस कर देना। मैंने अगर संगीत डांस लिखा है तो ये कोई खुदा की लेख नहीं है, आप यहाँ अपनी फुटेज चेंज कर सकते हो। ये तो एक केवल आपके लिए और हमारे लिए सेंस के लिए है, सो समझने के लिए यार हमारी फुटेज इतनी तक आएगी और इतनी बड़ी की जरूरत है हमें, ये इसलिए लिखना पड़ता है दोस्तों, इसलिए सीक्वेंसेस बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को शायद मेरी बातें समझ में आई होंगी, और कई जो नए भाई लोग हैं प्लीज़ कोशिश करें, कुछ क्रिएटिव करें दोस्तों। साहब मैंने कुछ और किया है तो आप इस पर कुछ, आप तो मेरी इस प्रोजेक्ट से या आप किसी अदर के किसी प्रोजेक्ट से कई छोटे छोटे क्लिप का अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास समय कहाँ है साहब, आज उसकी देनी है कल उसकी देनी है, आज इसकी कास्ट है कल उसकी हाईलाइट है। जहाँ तक हम इस भागम भाग में जब तक हम रहेंगे दोस्तों, तो हम क्रिएटिविटी कर ही नहीं सकते, है ना दोस्तों। तो रिंग सेरेमनी, जिसके पास रिंग सेरेमनी ना वो कुछ और डाल सकता है, जरूरी नहीं है ग्रुप डांस बारात डांस, बहुत चीज़ें रखी हैं दोस्तों मैंने। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, समझ में भी आया ही होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो आपके राइट साइड में बेल आइकन दिखाई दे रहा है आप इसे भी प्रेस कर लें। आने वाले समय में इसी तरह की के हाईलाइट सॉन्ग टीजर प्रोजेक्ट लाता रहूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से 5 बार में आपको पासवर्ड डिस्प्ले किया जाएगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें, पासवर्ड के लिए डिस्टर्ब ना करें प्लीज़। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी आता है, अभी नहीं आ रहा सर, सॉरी।